हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज जा चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पहुंचने के लिए। तो स्टैचू पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ब्लॉग जो है रेलवे स्टेशन का ही मिलेगा। अब घर जाएंगे सीधा, और घर से आप लोगों के लिए ब्लॉग जो पी किराना यूट्यूब चैनल है उस पर ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी इन सुंदर वादियों का मज़ा लेना चाहते हैं और यहाँ की प्रकृति का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए। बड़ी स्टेचू पर तो हम नहीं जा सके, तो यहाँ पर है स्टेशन के सामने एक छोटी सी मूर्ति, तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाएंगे।
और इसी तरह वहाँ पर जो बनी हुई है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी इसी तरह की है, वो इसका थोड़ा साइज ज़्यादा है, इसका साइज बहुत छोटा है। अगर आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर पहाड़, झरना और हरियाली बहुत ज़्यादा है, बादल तो इतने हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश कभी भी आ सकती है यार। बारिश का मौसम है तो बादल तो छाए रहेंगे पर गर्मी बहुत ज़्यादा यार, बारिश पड़ ही जाती तो भी अच्छा रहता। तो अभी जो मैं बैठा हूँ ना सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के जो सामने नीचे बैठा हूँ, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू। तो कैसी लगी यार? आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल का प्लान था मेरा 30 जून को कि मैं जाऊँ वहाँ पर और ब्लॉग बना के लाऊँ, पर यार कल ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पर, इतनी बारिश हुई बहुत ज़्यादा, तो कल का दिन तो चला गया वेस्ट। और आज यहाँ पर आए तो आज अब बहुत ज़्यादा गर्मी, बादल भी छाए हुए हैं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब मैं स्टेचू पर नहीं जा रहा हूँ, अब यहाँ से मेरा टिकट भी था यार 3 बजे का, तो मैं सीधा घर जाऊँगा और वहाँ पर ब्लॉग में जो है थोड़ा बियाइंड सही आप लोगों के लिए लोकेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, बाकी जो स्टेचू के पास का नज़ारा था वो बस आप लोगों के लिए देखने को नहीं मिलेगा। फ़ोन तो चला गया रेडमी नोट 7 प्रो, तो फिर मुझे ये फ़ोन लेना पड़ा था,
वीवो का तो ये मैंने 14,000 रुपये का ले लिया, फाइनली मेरा 12,000 रुपये का इसी ट्रेन में नुकसान हो गया यार पिछली बार। और हाँ, ट्रेन में अगर कभी भी सफ़र करो ना तो कभी सोना मत यार, खास तौर पर अगर ट्रेन खाली हो तो बिल्कुल भी मत सोना, मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर भी मत सोना यार। और मोबाइल तो चार्ज पर लगाना ही नहीं चाहिए ट्रेन में, क्योंकि मोबाइल कभी भी चोरी हो सकता है। तो मेरा एक बार चोरी हो गया था, मैं इस बार मोबाइल को घर पर चार्ज करूँगा, चाहे स्विच ऑफ हो जाए या कुछ हो जाए, मैं ट्रेन में चार्ज करने वाला हूँ। ये ट्रेन में कोई नहीं है भाई, सेकंड क्लास। और फिर से यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, सफ़र में अगर बारिश हो तो फिर सफ़र नहीं जन्नत बन जाता है। यहाँ पर कुछ सीटें भीग गई हैं और फिर मैंने खोली और मैंने फिर बंद कर दिया उन सीटों को, पानी होगा भाई साहब, कोई भी आएगा ना तो देखेगा यार किसने सीट खोली थी। भाई साहब सीट तो मैंने खोली थी तो बंद भी मुझे ही करना पड़ा इसके लिए। अब बारिश देखो, वाह ये है बड़ौदा का सीन, बारिश हो रही जम के भाई से, जम के लिए स्लो स्लो बारिश, वाह हल्की हो गई है।